Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Baby Health Guide. दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी है तो हर थोड़ी देर में प्यास का अनुभव होता है। आमतौर पर बच्चे खेलने के दौरान कुछ पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। दरअसल बच्चे डिहाइड्रेशन महसूस करने लगते हैं। समय पर पानी ना मिल पाने के चलते व थकान चक्कर आने की समस्या से बच्चे दो चार होने लगते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चों को लिक्विड डाइट और इलेक्ट्रोलाइट वाटर जैसे सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की आवश्यकता बेहद जरूरी होती है। गर्मी में बच्चों को सादे पानी के साथ साथ ऐसे पेय पदार्थ भी दें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो। ऐसे में ORS एक बेहतरीन समाधान है। वहीं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और शुगर से बनी हुई ड्रिंक्स ना पीने दें। साथ ही बच्चों को हाई कैलोरी ड्रिंक पीने से भी बचाएं। इसे पीने से प्यास और ज्यादा बढ़ती है और बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी, लस्सी, फ्रूट जूस और नींबू पानी दे सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कौन सी ड्रिंक दे सकते हैं। नंबर एक, एक दिन में बच्चों को कितना पानी पिलाना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों को 4 कप पानी पिलाएं। 4 से 8 साल के बच्चे को 6 कप पानी पिलाएं। 9 से 13 साल के बच्चे को आप 8 कप पानी पिलाएं। 14 से 18 साल के बच्चे को आप 12 कप पानी पिलाएं। ऐसा करने से उनको डिहाइड्रेशन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर दो, क्या ग्लूकोज ड्रिंक आपके बच्चों को स्वस्थ रख सकती है? दोस्तों इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए जरूरी है। रोटी से भी हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप किस उम्र में कितनी मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं। बच्चे दिन भर खेल कूद करते रहते हैं, ऐसे में वो अगर ग्लूकोज पिएंगे तो इससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज उन्हें आसानी से पच भी जाता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में आप ग्लूकोज बच्चे को पिला सकती हैं। नंबर तीन, क्या है शुगर के निर्धारित मात्रा? दोस्तों प्री मिल बॉडी में शुगर लेवल 90-130 मिलीग्राम होना चाहिए। पोस्ट मिल्क यानी कि फूड इनटेक के 2 घंटे बाद सामान्य शुगर लेवल 140 मिली होना चाहिए। वहीं बेड टाइम में ब्लड शुगर लेवल 90-150 मिली होना चाहिए। इसके अलावा 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फास्टिंग के दौरान 100 मिली से कम होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बच्चों को गर्मी में कैसे रखें हाइड्रेट। नंबर एक, पानी पिलाएं। दोस्तों गर्मी के इस मौसम से निपटने के लिए बच्चों का वाटर इंटेक बहुत जरूरी है। हर 30 मिनट में बच्चे को पानी पिलाएं। अगर बच्चा सादा पानी पीने से कतराता है तो आप उसमें ग्लूकोज, नींबू और कई शरबत मिलाकर पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अधिक ठंडा पानी पिलाने से बचें। उससे न केवल खांसी जुकाम का खतरा बढ़ता है बल्कि स्वेटिंग भी हो जाती है। नंबर दो, फलों और सब्जियों के रस का सेवन करवाएं। दोस्तों बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें समर फ्रेंडली फ्रूट्स खिलाएं। उनकी डाइट में खरबूजा, तरबूज, खीरा, बेरीज, पाइनएप्पल्स और संतरे को किसी भी प्रकार से उनकी डाइट में शामिल करें। नंबर तीन, नारियल पानी। दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी बच्चों की सेहत के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होता है। इसमें मिनरल्स, शुगर, प्रोटीन, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें कुछ अन्य एंजाइम्स होते हैं जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ोतरी मिलती है और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। साथ ही यूरिन इन्फेक्शन से भी मुक्ति मिल जाती है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी काम करता है। नारियल पानी में कैलोरीज कम होती हैं और पोटेशियम भरपूर पाया जाता है। इससे हमारे शरीर को कब्ज से भी राहत मिल जाती है और पाचन में भी सहायता होती है। नंबर चार, सैलेड करें मील में ऐड। दोस्तों चाहे घर हो या स्कूल, बच्चों को सैलेड बॉक्स तैयार करके दें। खाना खाने से पहले बच्चा खीरा, ककड़ी, चकुंदर, टमाटर खा सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी का डर नहीं रहता है। फाइबर रिच फूड्स को खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। बच्चे को रोजाना एक जैसी आइटम्स को देने की जगह आप कुछ कभी चेंज कर भी दे सकते हैं। ऐसे बच्चा खा भी लेगा और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नंबर पाँच, होममेड आइसक्रीम। दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आप उन्हें घर पर ही आइसक्रीम तैयार कर दें।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप फलों और जूस को मिलाकर आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके अलावा आप मैंगो शेक बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर बच्चों को आइसक्रीम शेप में बनाकर उन्हें दे दें। इससे बच्चे खा भी लेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।